हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल गुड ईट्स विद अनुपमा। तो आज की जो रेसिपी है आप समझ ही गए हैं। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं ये सुपर सॉफ्ट जो बलून वाले जो भटूरे भी बोलते हैं, तो इसकी एक सिंपल सी रेसिपी मैं लेके आई हूँ। बट अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और करते हैं हम शुरुआत इंग्रीडियंट्स भटूरे डो के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा जो है 2 कप, बड़ा वाला कप लिया है मैंने उससे 2 कप। इसके साथ मैं ले रही हूँ कर्ड जो है 1/2 कप, ये खट्टा है दही जो है। इसके साथ शुगर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, सूजी 2 टेबल स्पून, और ले रहे हैं बेकिंग पाउडर वो है 1/3 टेबल स्पून। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे हमारे भटूरे डो के लिए। तो चलिए फटाफट से हम अपना डो रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारी है 2 कटोरी मैदा, तो ये 1 कटोरी हो गई, दूसरी कटोरी ये रही, आप साइज़ देख के समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा डो बना रही हूँ मैं, तो ये हमारा हो गया मैदा। इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, मतलब अगर आप 1 कटोरी ले रहे हो तो उसमें 1/2 टेबल स्पून आपकी शुगर लगेगी, ये रेशियो याद रखिए। सूजी ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, मतलब 1 कटोरी पर 1 चम्मच सूजी। और इसके साथ लास्ट में थोड़ा सा नमक। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और अच्छी तरीके से मिलने के बाद इसमें अब हम डाल रहे हैं दही। आप चाहें तो छाछ भी ले सकते हैं, ये दही बिल्कुल खट्टा खट्टा दही है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आप छाछ से भी इसका आटा मार सकते हैं। तो बस एक अच्छा सा डो हमें मारना है, मतलब ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, एक मीडियम डो हम मारेंगे हमारे भटूरे के लिए। तो बस इसी में मैंने थोड़ी सी ले ली है छाछ, और बस छाछ को आप ऐड करते जाइए और एक डो हम बना लेते हैं। तो अगर आपको भटूरे का आटा रात को भी मारना ना, तो आप रात को मार लीजिए, सुबह आपके भटूरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो बस ये देखिए अच्छी तरीके से डो हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। और इसमें बस अब हम हल्का सा लगा देते हैं तेल, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। तो बस तेल इसको लगा देते हैं और इसे अब हम रेस्ट करने दे देते हैं 5 से 6 घंटे। इतना टाइम तो उसको लगेगा, तभी हमारे भटूरे जो है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, बलून वाले। तो 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट कराते हैं इसको। तो 5 से 6 घंटे हो गए हमारे इस भटूरे के आटे को, ये थोड़ा सा वॉल्यूम भी इसका बढ़ गया है। और इसको एक बार फिर से हम अच्छी तरीके से मार के 10 से 15 मिनट फिर से रख देंगे, ताकि हमारा आटा थोड़ा सा और अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब क्या करती हूँ मैं, फटाफट से एक आटा या मैदा जो भी आपको लगता है वो टेस्ट कर दीजिए। और बस लास्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो हमारा आटा है ना वो ले लेते हैं हमारे भटूरे का आटा, और इसे एक बार अच्छी तरीके से कड़क हाथों से प्रेस कर दीजिए। और बस हमारा जो भटूरे का आटा बिल्कुल रेडी हो गया भटूरे बनाने के लिए। थोड़ी सी मेहनत रहेगी, लेकिन हमारे जो भटूरे हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, और जो हमने सूजी वगैरह डाली वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। तो बस इसी टाइम पे मैं क्या कर दूँगी, इसको आप बॉल्स बना के रख लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी साइज़ के भटूरे बनाने हैं आप इस तरीके से लोई बना के रख लीजिए, क्योंकि फिर आपको फटाफट सेक नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ से डैप कर देती हूँ, ताकि बेलने में थोड़ी सी दिक्कत ना रहे। और अगर आप परफेक्ट हैं तो आप हाथ से भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो बस थोड़ा सा कॉर्नर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हुए मैं हमेशा बोलती हूँ, ताकि हमारे जो कॉर्नर्स हैं ना वो ज़्यादा मोटे ना रहे और सेंटर हमारा पतला ना रहे। तो बस हमारे जो भटूरे का ना परफेक्ट साइज़ मुझे यही चाहिए, तो इस साइज़ का मैं बेल लेती हूँ। और मैंने कढ़ाई भी बिल्कुल गर्म करने के लिए रख दी है, और अभी तुरंत ही मैं क्या करती हूँ, दूसरे भटूरे भी फटाफट मैं बेल के रख लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है ना तो फटाफट से हमारे भटूरे तलते जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों भटूरे मेरे रेडी हो गए हैं। और लास्ट में क्या कीजिए, जो हमने आटा या मैदा जो भी आप लगा रहे हो उसे आप निकाल दीजिए, ताकि हमारा तेल ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई है ना ये भी अच्छे से गर्म हो गई है, हाई फ्लेम पे है। और बस अब हमें डालना है हमारा भटूरा। ध्यान रखिए कि हाई फ्लेम पे ही अगर हम हमारा भटूरा डालेंगे ना तो मस्त बलून की तरह फूलेगा। और बस इसे थोड़ा सा क्या कीजिए, घुमाते जाइए और थोड़ा सा प्रेस करते जाइए। बस इसे हमें क्या करना है, बस घुमाना है और हल्का सा प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो भटूरा है ना
अच्छी तरीके से फूल जाए। तो देखिए पूरा भटूरा अच्छे से फूल गया है और हल्का सा इसमें कलर आ जाए, इसे फिर हम टर्न कर देंगे। तो एक अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको सॉफ्ट भटूरे चाहिए तो आप इसे पहले ही टर्न कर दीजिए और टेंशन मत लीजिए, ये आराम से ऐसे फूला फूला रहेगा क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है। तो इससे क्या होगा, ये जल्दी नहीं बैठेगा और ऐसा क्रिस्पी क्रिस्पी बना रहेगा। इसलिए इसमें हम सूजी और कलर के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं शक्कर, तभी इसका टेस्ट एंड फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो लीजिए फटाफट से हो गया हमारा यहाँ पे भटूरा भी रेडी। हाँ तो बस देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा मैं इसी तरीके की रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। तो तब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर। और याद से गुड ईट्स विद अनुपमा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और याद से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Be safe and be healthy.